भीमसेन के द्वारा दुर्योधन की, कर्ण के द्वारा सहदेव की, शल्य के द्वारा विराट की और शतानिक के द्वारा चित्रसेन की पराजय। संजय कहते हैं, भीमसेन युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य के रथ की ओर बढ़ रहे थे, तब तक दुर्योधन ने उन्हें बाणों से बींध डाला। यह देख भीम ने भी उसे 10 बाणों से घायल किया। तब दुर्योधन ने पुनः 20 बाण मारकर उन्हें बींध डाला। भीमसेन ने 10 बाणों से उसके धनुष और ध्वजा काट दिए, फिर 90 बाण मारकर उसे खूब घायल किया। चोट खाकर दुर्योधन क्रोध से जल उठा और दूसरा धनुष लेकर उसने तीखे बाणों से भीम को अच्छी तरह पीड़ित किया। फिर क्षुरप्र से उनका धनुष काटकर पुनः 10 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। भीम ने दूसरा धनुष लिया, किंतु दुर्योधन ने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार तीसरा, चौथा और पांचवा धनुष भी कट गया। जो-जो धनुष भीम हाथ में लेते, उसको आपका पुत्र काट गिराता था। तब भीम ने दुर्योधन के ऊपर एक शक्ति फेंकी, किंतु उसने उसके भी 3 टुकड़े कर दिए। इसके बाद भीम ने बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और बड़े वेग से घुमाकर दुर्योधन के रथ पर फेंकी। उस गदा ने आपके पुत्र के घोड़ों और सारथी का कचूमर निकालकर रथ को भी चकनाचूर कर दिया। दुर्योधन भीम के डर से पहले ही भागकर नंदक के रथ पर चढ़ गया था। उस समय भीमसेन कौरवों का तिरस्कार करते हुए बड़े जोर से सिंहनाद कर रहे थे और आपके सैनिकों में हाहाकार मचा हुआ था। दूसरी ओर द्रोण का सामना करने की इच्छा से सहदेव बढ़ा आ रहा था, उसे कर्ण ने रोका। सहदेव ने कर्ण को 9 बाणों से घायल करके फिर 10 बाण और मारे। तब कर्ण ने भी सहदेव को 100 बाणों से बींधकर तुरंत बदला चुकाया और उसके चढ़े हुए धनुष को भी काट डाला। माद्री नंदन ने दूसरा धनुष लेकर पुनः कर्ण को 20 बाण मारे। कर्ण ने उसके घोड़ों को मारकर सारथी को भी यमलोक भेज दिया। रथहीन हो जाने पर सहदेव ने ढाल तलवार हाथ में ली, किंतु कर्ण ने तीखे बाण मारकर उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरकर सहदेव ने एक बहुत भारी भयंकर गदा कर्ण के रथ पर फेंकी, परंतु कर्ण ने बाणों से मारकर उसे भी गिरा दिया। यह देख उसने शक्ति का प्रहार किया, किंतु कर्ण ने उसे भी काट दिया। अब सहदेव रथ से नीचे कूद पड़ा और रथ का पहिया हाथ में लेकर उसे कर्ण पर दे मारा। उस चक्र को सहसा अपने ऊपर आते देख सूत पुत्र ने हजारों बाण मारकर उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। तब माद्री कुमार ईशादंड, धुरा, मरे हुए हाथियों के अंग तथा मरे हुए घोड़ों और मनुष्यों की लाशें उठा-उठाकर कर्ण को मारने लगा, पर उसने सबको अपने बाणों से काट गिराया। फिर तो सहदेव अपने को शस्त्रहीन समझकर युद्ध त्याग कर चल दिया। कर्ण ने उसके पीछे भागकर हंसते हुए कहा, ओ चंचल, आज से तू अपने बड़े रथियों के साथ युद्ध न करना। इस प्रकार ताना देकर कर्ण पांडवों और पांचालों की सेना की ओर चला गया। उस समय सहदेव मृत्यु के निकट पहुंच चुका था। कर्ण चाहता तो उसे मार डालता, किंतु कुंती के दिए हुए वरदान को याद कर उसने सहदेव का वध नहीं किया। सहदेव का मन बहुत उदास हो गया था। वह कर्ण के बाणों से तो पीड़ित था ही, उसके वाग बाणों से भी उसके दिल को काफी चोट पहुंची थी। इसलिए उसे जीवन से वैराग्य सा हो गया। वह बड़ी तेजी के साथ जाकर पांचाल राजकुमार जन्मेजय के रथ पर बैठ गया। इसी प्रकार द्रोण का मुकाबला करने के लिए भी राजा विराट अपनी सेना के साथ आ रहे थे। उन्हें बीच में ही रोककर मद्रराज शल्य ने बाण वर्षा से ढक दिया। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ राजा विराट को 100 बाण मारे। यह देख विराट ने भी तुरंत बदला लिया। उन्होंने पहले 9, फिर 73, इसके बाद 100 बाण मारकर
शल्य को घायल कर दिया। फिर मद्रराज ने उनके रथ के चारों घोड़ों को मारकर दो बाणों से सारथी और ध्वजा को भी काट गिराया। तब राजा विराट रथ से कूद पड़े और धनुष चढ़ाकर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। अपने भाई को रथहीन देख शतानिक रथ लेकर उनकी सहायता में आ पहुंचा। उसे आते देख मद्रराज ने बहुत से बाण मारकर उसे यमलोक में पहुंचा दिया। अपने वीर बंधु के मारे जाने पर महारथी विराट तुरंत ही उसके रथ में बैठ गए और क्रोध से आंखें फाड़कर ऐसी बाण वर्षा करने लगे जिससे शल्य का रथ आच्छादित हो गया। तब मद्रराज ने सेनापति विराट की छाती में बड़े जोर से बाण मारा। वे उसकी चोट संभाल नहीं सके, मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़े। यह देख उनका सारथी उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया। इधर शल्य सैकड़ों बाण बरसाकर विराट की सेना का संहार करने लगे। इससे वह वाहिनी उस रात्रि काल में भागने लगी। उसे भागते देख भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जहां राजा शल्य थे उधर ही चल पड़े, किंतु राक्षस अलंबुश ने वहां पहुंचकर उन्हें बीच में ही रोक दिया। यह देख अर्जुन ने चार तीखे बाण मारकर उसे बींध डाला। तब अलंबुश भयभीत होकर भाग गया। उसे परास्त कर अर्जुन तुरंत द्रोण के निकट पहुंचे और पैदल, हाथी सवार तथा घुड़सवारों पर बाण समूहों की वृष्टि करने लगे। उनकी मार से कौरव सैनिक आंधी में उखाड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी होने लगे। महाराज, अर्जुन ने जब इस प्रकार संहार आरंभ किया तो आपके पुत्र की संपूर्ण सेना में भगदड़ मच गई। एक ओर से नकुल पुत्र शतानिक अपनी शराग्नि से कौरव सेना को भस्म करता हुआ आ रहा था, उसे आपके पुत्र चित्रसेन ने रोका। शतानिक ने चित्रसेन को 5 बाण मारे। चित्रसेन ने भी शतानिक को 10 बाण मारकर बदला चुकाया। तब नकुल पुत्र ने चित्रसेन की छाती में अत्यंत तीखे 9 बाण मारकर उसके शरीर का कवच काट गिराया। फिर अनेकों तीक्ष्ण साइकों से उसके रथ की ध्वजा और धनुष को भी काट डाला। चित्रसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर शतानिक को 9 बाण मारे। महाबली शतानिक ने भी उसके चारों घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर एक अर्धचंद्राकार बाण मार उसके रत्नमंडित धनुष को भी काट दिया। धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए। इससे रथहीन हुआ चित्रसेन तुरंत भागकर कृतवर्मा के रथ पर जा चढ़ा।